देखिए हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है, क्या किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है। और हमने तो ये भी बोला, क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहे हैं अपने हिसाब से, सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में, और हम कमेटी से बात करते तो बोला कमेटी कर रही है सब कुछ। क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना। तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो और साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोगों ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं, आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए उसे जो अभी प्रेसिडेंट, उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का, अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग है कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे? वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं। कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया, एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी है, एक फोटो दिखा दीजिए। मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी? मंत्री से क्यों नहीं मिले, मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है, मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है। वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। बजरंग, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको प्रधान बनने का, तो आप मानेंगे? मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी एक्टिव प्लेयर हूँ। अगर ये धरना नहीं होता तो मैं भी टूर्नामेंट खेलता, एशियन चैंपियनशिप थी, रैंकिंग सीरीज थी, मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बस ठीक है।